सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एक और नई वीडियो पर स्वागत है। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है भाग करना सीखेंगे हम। हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, 6356 को हम 9 से भाग करेंगे और 4684 को हम 5 से भाग करेंगे। फिर जिन बच्चों को भाग करना नहीं आता उनके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना, उससे आप भाग करना सीख जाएंगे, आपसे कोई भी गलत भाग नहीं होगा। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करना, अगर अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट जरूर करना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम 6356 को हम 9 से भाग करेंगे। 6356 को हम 9 से भाग करेंगे, हम 9 से भाग करेंगे। तो यहां देखेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें एक अंक उठाते हैं भाई, सबसे पहले हम इसमें 6 देखेंगे, 6 लेंगे इसमें, भाग किससे करेंगे हम 9 से। संख्या कितनी लेंगे हम, एक अंक लेंगे, एक अंक में संख्या कितनी हमारे पास 6 है। तो ये देखेंगे भाई ये संख्या भाग हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो हम इन दोनों अंकों को उठाएंगे, हम इन दोनों अंकों को इसमें से उठाएंगे। तो हम अगर दोनों अंक लेते हैं तो फिर देखेंगे हमारे पास संख्या हो चुकी है इसमें 63, कितनी संख्या हो चुकी है 63। अब 9 की टेबल हम कहां लग पड़े, 9 की टेबल में देखेंगे हम 63 होते हैं, 9 की टेबल में हम 7 अलग पाड़ा पड़ते, 9 7 63 होते हैं, 9 7 63। तो सबसे पहले तो बात ये है भाई, अगर जो टेबल के अंदर जो संख्या होती है अगर होती है तो हम वही सेम लिखेंगे, नहीं होती है तो हम उसके नीचे छोटी संख्या डालेंगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा भाई, ये 9 की टेबल में 63 होते हैं, तो 9 की टेबल हम कहां लग पड़े, 9 की टेबल हम 7 लग पड़ेंगे, 9 की टेबल हम 7 लग पड़ेंगे, तो 9 7 23 में 63 हम यहां लिखेंगे। इसमें इसको हम माइनस करेंगे, हमारे पास 3 में से 3 भाई 0 बचेगी, 6 में से 6 क्या बचेगा 0 बचेगा। ऊपर की संख्या को हम नीचे उतारेंगे, ऊपर की संख्या हमारे पास 5 है, अब हमने नीचे उतार ली, अब संख्या हो चुकी है हमारे पास 5, कितनी हो चुकी है 5। अब देखेंगे 9 की टेबल में 5 होते हैं क्या, नहीं होते भाई, छोटी संख्या रह चुकी है। अगर ऊपर से अंक उतारने के बाद यहां हम टेबल नहीं पढ़ सकते हैं तो हमें क्या लगानी पड़ती है, हमें इसमें 0 डालनी पड़ती है। अगर ऊपर से अगर अंक ऊपर से अंक कोई नीचे उतारते हैं, नीचे उतारने के बाद हम इसका टेबल नहीं पढ़ सकते तो हमें यहाँ 0 लगानी होती है, तो हम यहाँ इसमें 0 लगा देंगे। अब इसमें हम 0 लगा देंगे या फिर हम क्या करते हैं, 9 की टेबल हम 0 लग पड़ेंगे तो हम यहाँ इसमें नीचे 0 भी डाल सकते हैं। ऊपर की संख्या अगली संख्या को हम इसमें नीचे उतारेंगे, हम ऐसे भी करेंगे भाई, 9 की टेबल हम 0 लग पड़ेंगे तो हम इसमें यहाँ 0 डाल देंगे, इसमें माइनस करेंगे हम तो इसमें हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। अगली संख्या को हम नीचे उतारेंगे यहाँ तो हम यहाँ हमारे पास इसमें क्या है 56। अब 9 की टेबल देखेंगे पड़ेंगे हम, 9 की टेबल में 56 होते हैं क्या, 9 की टेबल में 56, 9 6 54 होते हैं, 9 7 63। अगर 9 की टेबल हम 7 अलग पढ़ते हैं तो 63 आता है, लेकिन हम कभी भी यहाँ इसमें बड़ी संख्या नहीं डालेंगे, हमेशा यहाँ छोटी संख्या डालते हैं। तो 9 की टेबल हम इसमें 6 अलग पढ़ेंगे, 9 6 54, 9 6 54, इसको माइनस करते तो हमारे पास यहाँ 2 बचेगा। आगे हमारे पास इसमें कोई भी संख्या नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें शेष बच जाएगा, ये हमारा क्या आएगा इसमें भागफल, ये इसमें क्या आया भागफल। जो भार जो संख्या होती है वो क्या होता है भाजक, और क्या निकालना हमें भाज्य निकालने, तो ये इस संख्या को हम भाज्य बोलते हैं, ये हमारा क्या क्या होता है भाजक होता है, और जो यहाँ आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे जो बचता है हमारा वो शेष फल बचता है। तो आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, 4684 को हम 5 से भाग करेंगे, 4684 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। अब उसी तरह हम देखेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें एक अंक उठाएंगे, हम सबसे पहले हम इसमें एक अंक उठाएंगे, तो एक छोटी संख्या 4, तो हम इन दोनों अंकों को लेंगे तो दो अंक ले लेते हैं, तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 46 हो जाती है।
छियालीस, तो पांच के टेबल में हम देखेंगे छियालीस होते हैं क्या, पांच के टेबल में छियालीस नहीं होते तो हमें छोटी संख्या डालनी पड़ेगी, तो पांच के टेबल हम नौ लग पड़ेंगे, पांच निम पैंतालीस, पांच निम में पैंतालीस। अब छह में से हम पांच घटाएंगे हमारे पास यहाँ एक बचेगा, चार में से चार घटाएंगे हमारे पास यहाँ इसमें जीरो बचेगी। अगली संख्या को हम नीचे उतारेंगे, आगे हमारे पास आठ है, इस संख्या को हम इसमें नीचे उतार लेंगे। अब संख्या हो चुकी है हमारे पास अठारह, कितनी अठारह। अब पांच के टेबल फिर पड़ेंगे हम, पांच के टेबल में देखते हैं अठारह, पांच के टेबल में अठारह नहीं होते तो पांच के टेबल हम तीन लग पड़ेंगे, पांच तीन पंद्रह, पांच तीन पंद्रह, इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यह इसमें तीन बचेगा, एक में से एक बचेगी हमारे पास इसमें जीरो। अब ऊपर की संख्या, अगली संख्या हमारे पास इसमें कितना है, चार है, उस चार को हम नीचे उतार लेंगे। अब संख्या हो चुकी हमारे पास इसमें चौतीस, कितना हो चुका है चौतीस। अब पांच के टेबल में देखेंगे हम चौतीस होते हैं क्या, पांच के टेबल में कोई भी चौतीस नहीं होते हैं, तो पांच के टेबल हम कहां लग पड़ेंगे, पांच के टेबल हम छह लग पड़ेंगे, पांच छिके तीस, पांच छिके तीस, इसमें इसको माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, चार बचेगा, तीन में से तीन बचेगी जीरो। अब आगे हमारे पास इसमें कोई भी संख्या नहीं है, अब चार के बाद हमारे पास इसमें कोई भी संख्या नहीं है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास इसमें शेषफल, क्या बचेगा शेषफल, और ये क्या आएगा हमारा भागफल, ये क्या हमारा भागफल। तो इस प्रकार हम दोस्तों किसी भी भाग को आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।